नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर शेखावाटी न्यूज पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं खेल जगत की ताजा और दिलचस्प खबरें। आज हमारे पास एक बड़ी खबर है भारतीय टेनिस के स्टार सुमित नागल के बारे में, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुमित नागल ने शनिवार को यह पुष्टि की कि वे अगले महीने से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उनके करियर का दूसरा ओलंपिक होगा, इससे पहले उन्होंने टोक्यो 2020 में भी हिस्सा लिया था। नागल ने सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा करते हुए लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर लिया है। यह मेरे लिए एक यादगार क्षण है, क्योंकि ओलंपिक मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है। नागल ने आगे कहा, मेरे अब तक के करियर का एक महत्वपूर्ण पल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेना था। तब से पेरिस मेरे लिए एक बड़ा लक्ष्य रहा है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने भी इस खबर की पुष्टि की। AITA के अनुसार ITF द्वारा 10 जून को क्वालिफिकेशन के लिए जब खिलाड़ियों की रैंकिंग पर विचार किया गया था, तब नागल वैकल्पिक खिलाड़ियों की सूची में थे। 2024 का सीजन सुमित नागल के लिए काफी अच्छा रहा है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई और विश्व रैंकिंग में 37वें स्थान पर काबिज अलेक्जेंडर बुबलिक को शुरुआती दौर में हराकर उलटफेर किया था। इसके अलावा उन्होंने इंडियन वेल्स मास्टर्स और मोंटे कार्लो मास्टर्स जैसी ATP 1000 स्पर्धाओं के मुख्य ड्रॉ के लिए भी क्वालिफाई किया था। दोस्तों, सुमित नागल की यह सफलता न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। हम आशा करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में वे अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप खेल जगत की ताज़ा खबरों से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।